Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 10th of exercise 20B, that is volume and surface area of solid. Question number 10th is the radius and height of a cylinder are in the ratio 7:2. Friends, cylinder ki figure bana rahi hu. ये हमारा सिलेंडर है, राइट फ्रेंड्स? इसकी रेडियस और इसकी हाइट हमें रेशियो में दे रखी है. अगर हमारी पहले रेडियस दे रखा है फिर हाइट दे रखी है, तो दैट मींस रेशियो में भी अगर ये 7 है तो ये 2 है. तो लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर equals to 7x. तो height कितनी हो जाएगी friends? Height of cylinder equals to 2x हो जाएगी. Now what he is saying, if the volume of the cylinder, volume is given to us, volume दे रखा है हमें, volume of cylinder equals to 8316 centimeter cube. Find the total surface area. अब friends हमें volume दे रखा है, height और radius ratio में दे रखे हैं, right? तो हमें पता है volume का formula होता है volume equals to pi r square h. तो volume के नीचे volume की पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमें दिया क्या है और कौन सा formula से हमारा क्या निकल सकते हैं. तो volume हमें दे रखा है 8316 equals to pi की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी, तो 22.7 लिखेंगे. r square, r हमारा है 7x, that means 7x का whole square. height है हमारी 2x, right friends? now अब देखिए ये क्या हुआ, 8316 equals to 22.7. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7x into 2x. अब now 7 से 7 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे कितने x हो गए, x into x into x, that means x का क्यूब, right friends? 8316 अपनी जगह रहा, ये x into x into x, x क्यूब हो गया. अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं थे x के साथ, तो इधर आके काहे क्यों हो गए, डिवाइड क्यों हो गए, तो 22 into 7 into 2, right friends? अब हम इसको डिडक्ट करेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16, right? अब फिर अगेन 2 11s are 2, 2s are 4 0, 2 7s are 14, 2 9s are 18. अब देखते हैं 11 से जा सकता है कि नहीं जा सकता है. 11 1s are 11, 97 हुआ, 11 8s are 88, 2 और 7 9, yes, 11 1s are 11, 11 1s are 11, 97, 11 8s are 88, 99, 11 9s are 99. अब देखते हैं 7 से जा सकता है नहीं जा सकता है, yes, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 7s are 49. That means 27 आया. Friends, तो x cube हमारा 27 है, तो x कितना आया, that is यहाँ cube था तो वो cube root में change हो जाएगा. अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता ऑफ 27. तो 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 3s are 27. तो क्यूब रूट है तो 3 के पेयर्स बनाते हैं और हम एक बार बाहर लिख देते हैं, सही 3 सेंटीमीटर आ गई हमारी एक्स की वैल्यू. नाउ अब हमारा रेडियस कितना आया, फिर रेडियस इक्वल्स टू था हमारा 7x, दैट मींस 7 into 3, दैट इज 21 सेंटीमीटर. हाइट कितना आया, हाइट इक्वल्स टू 2x, दैट इज 2 into 3, हाइट आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर इन टू एच प्लस आर,
कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख लें ब्रैकेट खोल के, कैसे भी कर सकते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 21, एच कितना है 6+21, तो ये कितना हो गया 2 × 22/7 × 21 इंटू ब्रैकेट है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन 21 + 6 = 27, तो 7 × 3 = 21, तो देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, कैरी 1 6 × 2 = 12 + 1 = 13 × 27, मल्टीप्लाई करते हैं 132 × 27, तो ये क्या आया 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 = 22, 7 × 1 = 7 = 9, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, तो कितना आ गया 4, 6, 9 + 6 = 15 एंड 3, दैट इज 3,564 cm². टोटल सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.